अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां शहर के टीआरएस कॉलेज में हुए करोड़ों के घोटाले मामले में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ला व डॉक्टर एसयू खान सहित डॉक्टर सत्येन शर्मा को जेल भेज दिया गया। सूत्रों की माने तो पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ला, डॉक्टर सत्येन शर्मा और एसयू खान ने मिलकर वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दरमियान जन भागीदारी निधि के 4,30,00,000 रुपए अपने स्वयं के खाते में स्थानांतरित कर लिए थे, जो कि पूरी तरह से अवैध है, जिसको लेकर ईओडब्ल्यू में मामला तीनों के खिलाफ दर्ज हुआ था। इसी मामले में तीनों को शुक्रवार को जेल भेजा गया है। ईओडब्ल्यू ने चालान पेश किया है, जिसके बाद जेल भेजा गया। हालांकि पूछताछ के दौरान इन सभी ने बताया था कि उनके द्वारा खुद प्रश्न पत्रों की सेटिंग, मूल्यांकन और टेबुलेशन का काम किया गया है, जिसका मेहनताना उनके द्वारा अपने खाते में भेजा गया। चूंकि राशि करोड़ों में थी, इसलिए बारीकी से जांच में तीनों पकड़े गए। करोड़ों के इस घोटाले में बड़ी कार्यवाही हुई है। रीवा ईओडब्ल्यू की इस कार्यवाही की चर्चा राजधानी तक हो रही है। ईओडब्ल्यू निरीक्षक प्रवीण चतुर्वेदी ने बताया कि तीनों पूर्व प्राचार्यों को हिरासत में लेकर कोर्ट के समक्ष पेश किया था, जहां से उनको कोर्ट ने जमानत पर सहमति नहीं दी और कोर्ट के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ला सहित अन्य पर टीआरएस कॉलेज के करोड़ों की राशि के बंदरबांट का आरोप है। वहीं तीनों को इसी मामले में पहले ही निलंबित भी कर दिया गया था, जिसके बाद अब यह बड़ी कार्यवाही हुई है। सभी मीडिया हाँ भैया, थोड़ा पीछे से रहना, शॉर्ट अंदर तक का ले जाने को बनाएंगे। फोन कर देंगे सबका, बोल देंगे चलो मनीष हो गए नहीं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा में वर्ष 2020 में अपराध क्रमांक 32/20 पंजीबद्ध हुआ था। अपराध मूलतः अवैधानिक अध्यादेशों के माध्यम से तत्समय पदस्थ प्राचार्यों द्वारा करोड़ों रुपए का मानदेय एवं पारिश्रमिक स्वयं प्राप्त किया गया। अन्य प्राचार्यों, प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों एवं अन्य जो उनके कर्मचारीगण हैं उनको भी अवैधानिक लाभ पहुंचाया गया, जिसमें 19 लोग नामजद मुलजिम बनाए गए थे एवं अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। इसका आज पहला अभियोग पत्र, जिसमें तीन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, डॉक्टर रामलला शुक्ला, डॉक्टर एसएन शर्मा और डॉक्टर एसयू खान के विरुद्ध आज अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया तीनों के पक्ष में। और प्रचार थे, तीनों ही तत्कालीन प्रचार थे भूतपूर्व, जिसपे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की तरफ से
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सचिन द्विवेदी द्वारा पैरवी की गई और माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा द्वारा इस पर अपना निर्णय सुनाया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार इनको 10 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने हेतु आदेशित किया गया, जिसके पालन की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है।